जब इसको इनको पहले ही बंदोबस्त करना था, पहले दो दिन पहले बता, संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा उस दिन। कुछ व्यवस्था नहीं है, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? जनता देख कैसे करके तड़प रहे हैं हम। यहाँ पर मरीज पड़ा हुआ है, यहाँ पर देख लो, ये देख लो, जैसे सरकार को बताओ ये है, ये हालत यहाँ की कंडीशन। कोई एम्बुलेंस वाला, कोई गाड़ी, कुछ भी नहीं है साले यहाँ। कारण क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है सर? सरकार जो है छूतिया है, मैं तो ये बोलो सरकार छूतिया साले। बीमार हो रहे तो कहाँ ले जाना था आपको इनको? अरे हम देहरादून से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम? देहरादून से आ रहे हैं हम। अच्छा। रास्ते में तबियत खराब हो गई, पानी नहीं है यहाँ पीने के लिए। पूछ रहे यहाँ पर जो ड्यूटी वाले हैं सुरक्षा का, वो पानी है यहाँ पर पीने के लिए व्यवस्था? कुछ यहाँ पर, यहाँ पर जो यहाँ पर बाहर से गाड़ी आ रही है, बाहर से कुछ है यहाँ पर व्यवस्था? यहाँ पे प्रशासन को जो लोग यहाँ पे आ रखे हैं, कोई किसी को थैली से जाना है, किसी को बेरो जाना है, किसी को कोरदार जाना है, तो वो लोग अपने घर से निकले तो भूखे प्यासे, तो उनके खाने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। आप कब से खड़े हैं यहाँ पे? हमने तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही उनके लिए, ताकि लोग समय से अपने घर पहुँच जाए। और प्रशासन तो अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हाँ सरकार की तरफ से तो ये गलती तो हुई है। हाँ जी, अभी तो कुछ नहीं। तो जा, तो क्या कब कब आए थे आप यहाँ पे? कल सुबह आ गए। तो कोई खाने की कोई व्यवस्था? क्या सुबह से ही लगा लॉकडाउन? अच्छा, तो आपने कुछ खाया सुबह से? हाँ, सुबह से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। तो प्रशासन से क्या अपील करेंगे जो लोग इस तरह से फंसे हैं? फिलहाल घर घर चले जाए। आपका नाम? अमित। प्रशासन की व्यवस्था इस तरह से कि हमारा जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पर आज पूरा क्षेत्र को सैनिटाइज कर दिया गया है, साथ साथ जो है पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, कोई भी आदमी बाहर नहीं निकलेगा, सभी घरों के अंदर रहेंगे, ये विशेष रूप से जो है आज के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पे गाइडलाइन क्या क्या है, और लोगों जो आए जाए में उनको दिक्कतें क्या हो रही है? उनको जो आने जाने वाले सभी को पता है कि हमें आना जाना नहीं है, कहीं भी आज मना कर दिया गया था, पहले ही इस चीज़ का अखबार ने भी बता दिया गया था, और साथ साथ अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो कुछ लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं इनको व्यवस्था करेंगे और इनको अपने घरों तक पहुँचाएंगे। उनके खान पान की क्या कोई ऐसी व्यवस्था प्रशासन की तरफ? खान पान तो पूरा लॉकडाउन हो रखा है, सभी को मालूम है कि होटल सब बंद, होटल रेस्तरा वगैरह सब बंद है, और उसके लिए व्यवस्था की जा रही है खाने वाने की, कुछ फ्रूट वगैरह ड्राई फ्रूट कोई से दे देंगे। शासन के निर्देश के अनुसार प्रत्येक जनपद के कोरोना को दृष्टिगत देखते हुए हर रविवार को एक कर्फ्यू घोषित किया गया, इसी को सुनिश्चित करने के लिए आज हम सीओ साहब के साथ और तमाम पुलिस कर्मी प्रशासन यहाँ पर आए हैं, और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी शासन की गाइडलाइंस है उसका पालन कराएंगे। जो लोग उनके यहाँ पे यात्री हैं उनके किस की व्यवस्था की जा रही है? जो लोग फंसे हुए, सार्वजनिक परिवहन की बसें चल रही है उसमें 50% यात्री बैठ सकते हैं, इसके बावजूद भी अगर उनको कोई व्यवस्था नहीं होती है तो स्थानीय प्रशासन द्वारा उनको लोकल टैक्सी के माध्यम से उनकी गंतव्य को पहुँचाया जाएगा।